तो हमारे A41 एग्जाम्पल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट फील्ड में ही कुछ सजेशन होना चाहिए कि ये टेक्स्ट फील्ड में क्या फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू जो है वो रिमूव कर देता हूँ और इस फॉर्म को हम लोग अगेंस्ट रिफ़्रेश करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने रिफ़्रेश किया। मैं चाहता हूँ कि यूज़र नेम में सजेशन होना चाहिए। तो अगर हमने कहा वैल्यू और यहाँ स्पेसिफाई कर दिया एंटर योर नेम, तो इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ एंटर योर नेम। पर अब जब मुझे अपना नाम एंटर करना है उससे पहले मुझे बैकस्पेस प्रेस करके जो जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसे क्लियर करना होगा। फिर मैं अपना टेक्स्ट लिखूँगा और मोहन कुमार। नाउ अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं वापस बैक देखता हूँ तो ये तो खाली हो गया, तो जो सजेशन है वो चला भी गया। नाउ इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है प्लेस होल्डर। तो मैं वैल्यू एट्रीब्यूट की जगह क्या यूज़ करने जा रहा हूँ, प्लेस होल्डर, सॉरी प्लेस होल्डर नाम का जो हमारा एट्रीब्यूट है, हमने टेक्स्ट फील्ड में ट्राई किया और हमने कहा रिफ्रेश और इसमें क्या वैल्यू स्पेसिफाइड था, एंटर योर नेम। तो आप देख सकते हैं ये प्लेस होल्डर आ गया। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर सीधे लिख सकता हूँ, देख सकते हैं, तो मुझे बैकस्पेस करके क्लियर नहीं करना पड़ रहा। जो हमारा एंटर योर नेम लिखा हुआ है उसे क्लियर नहीं करना पड़ेगा और हम सीधे टाइप कर पाएंगे। और अगर हम कुछ और चेंज करना चाहते हैं, मैंने बैक प्रेस किया, जैसे वो फील्ड एम्प्टी हुआ फिर से एंटर योर नेम ये सजेशन हमें विजिबल होने लगा है। तो ये टेक्स्ट फील्ड्स में हम ट्राई कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको कल करके दिखाया, प्लेस होल्डर्स। नाउ यहाँ पर मुझे आपको एक और फील्ड के बारे में बताना है, वो है ये जो ड्रॉप डाउन फील्ड है इसके बारे में बात करते हैं। देखो जो हमारा ड्रॉप डाउन फील्ड है, हाँ, इसमें से मैं मल्टीपल इज इक्वल्स टू मल्टीपल शो नहीं करता हूँ, डिलीट कर देते हैं। नाउ अब हम लोग इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा नॉर्मल ड्रॉप डाउन शो हो रहा है और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट भोपाल हमने सेलेक्टेड लिखा था इसलिए वो ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड शो हो रहा है। नाउ हमें ये करना है कि इसका जो मल्टीपल ऑप्शंस को एक बार में दिखाना है लेकिन मल्टीपल सेलेक्ट नहीं करने देना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, साइज़, हमने कहा साइज़ एट्रीब्यूट हमने यूज़ करना है, हमने कहा एक बार में 5 रिकॉर्ड शो करो। मैं यहाँ कुछ और रिकॉर्ड्स ऐड कर देता हूँ, पन्ना और भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ नंबर ऑफ सिटीज़ को लिस्ट किया हुआ है और एक बार में कितने रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5। हम इसको साइज़ का थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने कहा एक बार में 3 ही रिकॉर्ड शो करूँ, आप देखेंगे रिफ़्रेश किया हम लोगों ने, एक बार में 3 रिकॉर्ड्स शो कर रहे हैं। मैंने कहा कंट्रोल प्रेस करते हैं और मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने इससे मैं कंट्रोल को होल्ड किया है। पर आप मल्टीपल सेलेक्ट कर पा रहे हो क्या, नहीं। तो आप साइज़ एट्रीब्यूट का यूज़ कर करके एक बार में नंबर ऑफ जो ऑप्शन से दिखा सकते हो, और अगर आप नंबर ऑफ सेलेक्ट करना चाहते हो तो फिर तो आपको मल्टीपल इज इक्वल्स टू मल्टीपल लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ऐसा करने पर इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैंने कंट्रोल बटन प्रेस किया जबलपुर, ठीक है, तो मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। कंट्रोल बटन प्रेस करके होल्ड करके रखना होगा और टिक करना होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हम साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप देखो कि जो हमारा यूज़र का नेम है, ठीक है, वो हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हम लिमिट करना चाहते हैं कि भाई इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं, पासवर्ड फील्ड में आते हैं। पासवर्ड में हमने कहा कि इसमें मैक्स लेंथ नाम का मैं एट्रीब्यूट सेट कर देता हूँ। मैंने कहा 6 कैरेक्टर्स, यानी कि पासवर्ड में मैं 6 कैरेक्टर्स से ज़्यादा आपको इनपुट नहीं करने देना चाहता हूँ। तो क्या होगा, तो हमने देखो पासवर्ड लिखना शुरू किया, आप देख सकते हो कि मैंने क्लिक कर रहा हूँ, मैं आपको इसका क्लिक कर वो आवाज़ भी आ रहा होगा, तो लेकिन हम 7 से ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12, 12 कैरेक्टर से ज़्यादा हम इसमें टाइप नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो
मैं यहाँ पर रैंडमली कैरेक्टर टाइप करता हूँ, तो अभी ये वर्क नहीं करेगा। 12 कैरेक्टर से ज़्यादा हम कैरेक्टर इनपुट नहीं कर सकते हैं, ये आप कंट्रोल कर सकते हो मैक्स लेंथ का यूज़ करके। अभी जो हमारा टेक्स्ट का जो हमारा नेम फील्ड है, मैं चाहता हूँ कि इसमें नेम सरनेम सब आना चाहिए, तो हमने कहा मोहन कुमार सक्सेना जी और बहुत बड़ा सा नाम हो हमारे पास मान लो, तो यहाँ पर पूरा एंटर नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट सपोज हमें इसका लेंथ इंक्रीज करना है, तो किसी इनपुट फील्ड का हम लोग लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ईमेल फील्ड है, मैंने यहाँ लिख दिया साइज एट्रीब्यूट यूज़ करना है आपको, हमने कहा 120 पिक्सल्स। तो यहाँ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो ईमेल फील्ड तो काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर लेंथ का हो गया है, मतलब हम ज़्यादा टेक्स्ट यहाँ टाइप कर सकते हैं। मैं इसे कंट्रोल करता हूँ, मैंने कहा 30, और हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट फील्ड का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, ये पॉसिबल है। यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया, ऐसे और भी एट्रीब्यूट्स हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स होते हैं, लेकिन जो बहुत ही एसेंशियल है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमने इनको यहाँ डिस्कस किया। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और नए प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे।